बांग्लादेश में किसने भड़काई बगावत किया? किसके इशारे पर बांग्लादेश में उग्र हुआ आंदोलन? कौन है बांग्लादेश में आक्रोश की लहर का पोस्टर बॉय? ये जलते हुए बांग्लादेश की तस्वीरें हैं। ये उस बांग्लादेश की तस्वीरें हैं जहां आरक्षण की आग में शेख हसीना की राजनीति का अतीत और वर्तमान जलकर राख हो गया। ये उस बांग्लादेश की तस्वीरें हैं जहां आंदोलन के भंवर ने पूरे सिस्टम को डील किया। लेकिन सवाल यही है कि अगर बांग्लादेश में मचे इस हाहाकार के पीछे कौन है? किसके इशारे पर बांग्लादेश में ऐसी सत्ता विरोधी लहर आई कि शेख हसीना का राजनीतिक करियर उसमें तबाह हो गया? इन सवालों के जवाब तीन किरदारों के इर्द गिर्द घूमते हैं, नाहिद असलाम, आसिफ महमूद और अबू बकर। ढाका यूनिवर्सिटी के ये वो तीन छात्र हैं जिन्होंने बांग्लादेश में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया कि शेख हसीना को इस्तीफा देकर और देश छोड़कर जाना पड़ा। जानकारी के मुताबिक तीनों छात्र सामान्य घरों से आते हैं, इनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड भी नहीं है। ये तीनों छात्र इससे पहले तक कुछ छोटे मोटे प्रदर्शनों का हिस्सा रहे हैं, लेकिन दावा किया जा रहा है कि आरक्षण की आग ने इनके अंदर इतना आक्रोश भर दिया ये बांग्लादेश की सत्ता से ही टकरा गए। रही सही कसर सरकार ने पूरी कर दी, इनके खिलाफ कार्रवाई की गई, इन्हें प्रताड़ित किया गया, जिससे लोगों का गुस्सा बढ़ता चला गया। जानकारी के मुताबिक बात इसी साल 19 जुलाई की है जब मोहम्मद नाहिद इस्लाम को पुलिस उठा कर ले गई। आरोप लगाया गया कि नाहिद के साथ मारपीट की गई। नाहिद के हाथों, पैरों और कंधों पर चोट के निशान थे। नाहिद ने बताया, सादे कपड़ों में कुछ लोग आए थे, मुझे मेरे दोस्त के घर से उठाया गया, मेरे साथ मारपीट की गई। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने खुद को सड़क के किनारे पड़ा पाया। उस वक्त मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि जब नाहिद की माँ और उसके पिता ने अपने बेटे का पता जानने के लिए डिटेक्टिव ब्रांच से संपर्क किया तो वहां भी उन्हें नाहिद के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। लेकिन कहानी यहीं तक नहीं थी। 26 जुलाई को यह घटना फिर हुई जब नाहिद इस्लाम, आसिफ महमूद और अबू बकर को पुलिस की डिटेक्टिव विंग ने एक अस्पताल से उठा लिया। तब पुलिस ने बताया कि तीनों को सुरक्षा कारणों से हिरासत में लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नाहिद को लोहे की छड़ों से पीटा गया जबकि आसिफ को एक इंजेक्शन दिया गया जिससे वो कई दिनों तक बेहोश रहा। আমরা সকালের মধ্যেই আমরা এই সরকারি সরকার গঠনের প্রক্রিয়া দেখতে চাই। রাষ্ট্রপতির কাছে আহ্বান থাকবে যে দ্রুত সময়ের মধ্যে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূসকে প্রধান উপদেষ্টা করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা হোক। बताया जा रहा है कि তিনों ছাত্রों के साथ हुई इसी প্রতারণা ने आंदोलन को ऐसी दिशा दी कि देखते ही देखते आंदोलन का रुख बदल गया और शेख हसीना सरकार को इस्तीफा देना पड़ा।